लड़ाई होगी। ये ग्रंथ को कौन लेगा, ये ग्रंथ को कौन लेगा? अभी तीनों में लड़ाई, देवता कहते हमें मिलनी चाहिए, दैत्य कहते हमें, इंसान कहते हमें मिलनी चाहिए, तीनों में लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई तो बोले भैया लड़ाई करके कोई लाभ नहीं, जिसने ये ग्रंथ बनाया उनके पास में चलो, वो जो कुछ करेंगे वही होगा। बोले ये ग्रंथ बनाया किसने? बोले भोले बाबा। इसलिए गोस्वामी जी कहते रामायण सबसे पहले किसी ने बनाया? शंकर जी के रामायण को बना करके अपना हृदय से रखा। भागवत भी देखो, शंकर जी पार्वती को अमरनाथ में ही अमर कथा सुनाई है। कहती है शंकर जी करता भागवत, रामायण का करता श्री शंकर जी, चलो श्री भोले बाबा के पास में चलते हैं। भोले बाबा के पास में जाकर के बोले भैया अभी रामायण बनाया, अभी सब कहते हमें मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए, ये हम आप विचार करो किसको मिलनी चाहिए। बोले देखो लड़ाई से कोई लाभ नहीं, लड़ाई से कोई लाभ नहीं, बैठ जा मैं तीनों को मैं बांट देता हूँ। जब बांट देता हूँ कहते उसमें था 100,000 श्लोक था, जो श्लोक था तीनों को बांटे, तीनों को जब बांटे 30,000 30,000 30,000 कितना कितना रह जाएगा? अरे बोलो 30,000 तीनों देना 30,000 30,000 अभी कितना बचेगा? 10,000 बच गया। फिर 10,000 को फिर उन्होंने क्या किया? 3,000 3,000 3,000 देते कितना बचेगा? 1,000 1,000 फिर 1,000 को उन्होंने 300 300 300 दे दिया कितना बचेगा? 100 100 फिर 100 को उन्होंने 30 30 30 दे दिया कितना बचेगा? 10 10 फिर 10 को उन्होंने फिर उन्हें 3 3 3 कर दिया कितना बचेगा? 1 बचा। एक अब श्लोक देखना, एक श्लोक में 4 ही चरण होता है, जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये एक चरण, समवेद जुजुष्टवा ये भी चरण, मामा का पांडव वास्तव ये भी चरण, किम अकुर्वन संजय ये भी चरण। एक श्लोक में 4 ही चरण होता है, 4 ही चरण में फिर एक श्लोक ने एक चरण एक चरण एक चरण दे दिया बच गया एक चरण। एक चरण में होता है 8 अक्षर कितना होता है? 8 अक्षर अभी उसको भी बंटवाया तीनों को, 2 अक्षर 2 अक्षर 2 अक्षर और कितना बचेगा? 2 2 अक्षर। शंकर जी ने कहा देखो मैंने इतने परिश्रम किया है भैया मुझे तो कुछ मिलने चाहिए था, इसलिए ये 2 अक्षर मेरे को दे दो। यदि वो 2 अक्षर किया कृष्ण नहीं तो राम, राम नहीं तो कृष्ण, ये 2 अक्षर रह गया। जब 2 अक्षर ले लिया देखो गोस्वामी जी कहते हैं वो क्या कहते हैं? बोले महामंत्र, गोस्वामी जी कह रहे महामंत्र जय जप त महेशा काशी मुख तीह तो उपदेशा। काशी में सब लोग करवट करवट ले समझते हो, अंतिम समय में जो काशी में जो मरेगा कभी नरक नहीं जाएगा है, इसलिए अंतिम समय में लोग जाते हैं काशी में अपना प्राण त्याग करने के लिए। लेकिन जब प्राण त्याग करने जाते हैं फिर मुक्ति कौन दिला? बोले शंकर। बोले कैसे? बोले उनको कानों में कृष्ण ने तो राम का नाम सुना देते अंतिम समय में, बस प्रभु का नाम जैसे स्मरण करो। अजामिल ने लास्ट समय में अपना बेटे को उन्होंने नारायण नाम बुलाया, उससे मुक्ति। इसलिए फिर गोस्वामी जी कहते हैं पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में क्या भगवान का नाम भी जप करते हैं। शंकर जी माता पार्वती देखो, शंकर जी को माता पार्वती पूछे बोले प्रभु किसका हम नाम जप करे? शंकर स्वयं कहते हैं बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्य श्री राम नाम बरा। बोले बाबा स्वयं कह रहे, बोले पार्वती 1,000 विष्णु का नाम लेने पर जो फल मिलेगा केवल राम नाम लेने से ही फल मिलेगा। जब सोने ने बोले ना गोस्वामी जी कहते हैं सहसना मासुनी प्रिय बानी जपी जय संग प्रिय भवानी। शंकर जी पार्वती को इतने प्रेम क्यों करते हैं? क्यों प्रेम करते हैं शंकर जी को पार्वती? गोस्वामी जी कहते हैं जब उन्होंने सुना भगवान के नाम में इतने शक्ति राम नाम में, अब देवी की 8 हाथ देखना एक हाथ में माला है, जपी जयी प्रिय संग भवानी, इसलिए माता जी दिन भर प्रभु का नाम जप करती हैं, इसलिए शंकर जी का इतना प्रिय है। लेकिन जगत में हम कौन सा स्त्री को ज्यादा प्रेम करते हैं जो हमारे साथ में सिनेमा घूमने जाएगी? बोले पार्क में चलो, नहीं तो किसी मल में घुमा करके ले आएगी है,
नहीं तो उसी पत्नी को जो बढ़िया बढ़िया खाना खिला, नहीं ये कहते प्रेम नहीं, ये तो झूठा, ये तो स्वार्थ है तुम्हारी, है ये तुम्हारी स्वार्थ है, बड़ी उस पर प्रेम, जगत में प्रेम है ही नहीं, तो डाइवोर्स क्यों होता है, पहले तो लव मैरिज करते हैं डाइवोर्स क्यों हो जाता है मेरे, फिर छोड़ते हैं कि बदले, उसी पत्नी को प्रेम करनी चाहिए जो प्रेम पत्नी भक्ति करती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जिनके प्रिय न राम बैरी तेजी और कुटी बैरी समझते भी परम से नहीं, कहते भले ही जितने तुम्हारे प्रेम की पात्र क्यों नहीं हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं करती है पति व पत्नी तो तेजी और कुटी बैरी सम करोड़ शत्रु मान कर उसको त्याग दो। ये कौन कह रहे हैं, ये तुलसीदास मीरा को कह रही, मीरा भजन करती थी भक्ति करती थी, उसका परिवार बड़ा विरोध थे, उसका जेठ ननद सास सब विरोध थे, कोई भक्ति भक्ति नहीं मानते थे, हैं? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास के पास में पत्र लिखा, हमें क्या करनी चाहिए, तब ये पत्र को तुलसीदास मीरा के पास में पत्र लिखे, हैं? मीरा के पास में, इसलिए शंकर पार्वती भी हरिनाम करते, हनुमान जी क्या करते हैं रघुपति राघव राजा राम पति पावन, गणेश जी क्या करते हैं, हैं? गणेश जी क्या करते हैं, भगवान के नाम ही जप करते हैं, नाम जप का प्रभाव से उन्होंने जगत का सारे विघ्नों को दूर करते हैं। इसलिए जगत में जितने देवता जितने बोलोग ना जगत में जिनियों को जगत में पूजा मिल रहा है ना, तो बोले एक कारण से जो भगवान की भजन किया है, अब जो भगवान की भजन नहीं किया ना दो दिन बाद मर गई उसको कौन पूछता है, बता हमारे बाप का बाप और बाप का कोई पूछते हैं ना, हमारे मैया की मैया को मैया को दुनिया में कोई पूछता है, लेकिन मीरा को पूछते हैं, पूछते कि नहीं मीरा का नाम, प्रहलाद को ध्रुव मिला, तुलसीदास हनुमान को पूछ रहे कि न पूछ रहे कि नहीं दुनिया, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राम की भजन किया कृष्ण की भजन किया। अगर हम चाहते हैं जगत में बड़े बनना चाहते हैं भैया भगवान की भजन करो, इसी से ही दुनिया में बड़े बन सकते हो, और किसी चीज से दुनिया में हम कोई बड़े बन नहीं सकते। इसलिए क्या करो, शंकर जी तब से इसी गले में अपना कट्ठे के हार रूप में भगवान का नाम को उन्होंने धारण कर लिया, समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए सवेरे क्या करनी चाहिए, नहा धो करके करोड़ों काम को पीछे रखो जिसको अपना कर्तव्य समझते हो, ये कोई भी तुम्हारी काम में आने वाले नहीं, मरते समय यही बोलते हुए ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है बेटा, या कि सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रहा है, और जितने राम राम कृष्ण कृष्ण किया ना वही जा रहा है, सब झूठा है जगत में, आंख बंद होते कितने लोग करुणा में चले गए, क्या लेकर चले गए, सब छोड़ कर गए, लेकिन मीरा कहते क्या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है ना। इसलिए जितने हमें कर्तव्य मान रहे, कोई कर्तव्य हमारे नहीं, क्योंकि संसार एक धर्मशाला का परिचय है, जैसे धर्मशाला में जाकर रुकते हो खूब बैठ कर गप्पे मारते सवेरे होते गए सब, ये धर्मशाला तो मेरी बीवी में तेरा बेटा तुम्हारी पति में तेरे पत्नी हो, सिर्फ गप्पे मार रहे हो कुछ नहीं, समय आएगा तो छोड़ना पड़ेगा तुमको, हैं? लेकिन काम में क्या आएगा, हरि का नाम ही एकमात्र काम में आएगा, उसको ही काम तुम्हारी आने वाले, जो काम नहीं आएगा भैया उसको पीछे तो दिन भर लगे होंगे, जो काम नहीं आएगा उसको भी छोड़ दियो, ठीक है ना। सवेरे क्या करना, नहा धो करके तिलक लगा करके पहले माला लेकर के क्या करना, ठाकुर के पास में बैठो, बैठ कर थोड़े समय उसको तो भगवान का नाम लेकर कोई भी काम करो, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, प्रभु का नाम लेकर कोई भी काम करो, मंगल देने वाले तो ठाकुर है हम नहीं, उसको इच्छा से मंगल होने वाले, ठीक है ना। पहले सबसे पहले हरि नाम करो, हर दिन भर अपना संसार का काम करो, संसार नहीं जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा होता है वही वृंदावन है, हमारे घर नहीं है क्या है, वृंदावन धाम वही है वृंदावन, वृंदावन और कहीं नहीं, वृंदावन तुम्हारे घर ही है, जिस घर में ठाकुर का कीर्तन भजन पूजा पाठ होता है ना वही वृंदावन। घर में झाड़ू लगा रहे हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, बोले राधा रानी के निकुंज, राधा रानी के महल में झाड़ू लगा रहे हो, रोसोई बना रहे हो, बोले किसके लिए, बोले ठाकुर को भोग लगेगा, ठाकुर जी को बच्चे को प्यार देते हो, बच्चे किसने दिया, बोले ठाकुर ने दिया, भाई काम धंधा करते हो, बोले किसी लिए, बोले बगैर लक्ष्मी के ठाकुर को सेवा कैसे हो, लक्ष्मी होगा तो ठाकुर को सेवा होगा, ठीक है ना। इसलिए कोई चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को भक्ति में जोड़ दो, हर चीज को क्या करो भक्ति में जोड़ दो, ठीक है बच्चे, जब तक वो माला नहीं करेगा ना तो उसको खाना नहीं देना, और ये माला करते नहीं तुम भी नजर रखना, तुम उसको नजर रखना और तुम ये तुम्हें दोनों का नजर रखना, दोनों भजन करो, ठीक है ना। हाँ भक्ति करो और खूब जीवन में खूब शांति और खूब
सुखमय जीवन में रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय।